हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीएस एजुकेशन हब। में इन दिस वीडियो अर्थमेटिक्स मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल ओवर टॉपिक बेस पर मैं क्वेश्चंस करा दूँ, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे पार्टनरशिप का बेस हो, चाहे सिंपल SICAE हो, चाहे रेल रेल के क्वेश्चन हो, ट्रेन बेस पर क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम्स हो, उसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। ऑल ओवर टॉपिक के बेस पर मैं क्वेश्चन करा रहता हूँ, कोई ऐसे बगैर टॉपिक, एक टॉपिक उठा लिया उसके भी नहीं, ऑल ओवर टॉपिक जो कि एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम्स के लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, बिल्कुल एकदम प्रॉफिटेबल। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे SBI PO की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे LSE ADO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, एनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट टू है, पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अर्थमेटिक्स क्वेश्चन पार्ट वन में, बहुत एक बार देखना आप जाके, 100% आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि SBI PO प्री के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, मेंस में भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन से आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस, लेट्स बिगिन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। और यह याद रखिए, जैसा कि नंबर सीरीज से भी मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, नंबर सीरीज आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, नंबर सीरीज चाहे रॉन्ग हो चाहे मिसिंग हो, दोनों नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस और इंग्लिश वोकैबुलरी, अगर आप वीक है इंग्लिश तो वोकैबुलरी का सेशन विद सेंटेंस के साथ मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, A and B स्टार्टेड अ बिजनेस, इंग्लिश में है, किसी को इंग्लिश समझ में प्रॉब्लम है तो हिंदी में मैं प्रोवाइड हिंदी में स्पीक कर दूंगा। ओके, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, एक ए और बी, एक ए और बी दोनों पार्टनर हैं, दोनों इन्वेस्ट करते हैं 5 और 1, ए करता है 5 लाख एंड बी करता है 4 लाख। सिंस ए रन्स द बिजनेस, ए चला जाता है, सी यानी कि सी यहाँ पर ही होना चाहिए। ओके, ही गेट्स अ सैलरी 5,000 पर मंथ फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 5,000 वो ले जाता है, 5,000 पर मंथ यानी कि 60,000 पर मंथ, 5,000 12 मंथ का 60,000। ओके, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट में से 60,000 वो ले गया, तो इसका मतलब 90,000 रिमेनिंग रहा। व्हाट इज द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का रेशियो अपने को ज्ञात करना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्यूशन होते हैं, देखिए आधा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ते ही, मैंने कहा जैसा कि रीडिंग आपकी अच्छी होगी इंग्लिश मैथमेटिक के क्वेश्चन करने में, तो 100% आप क्वेश्चन करके ले जाओगे। देखिए ए एंड बी ओके, 5 लाख है एंड 4 लाख है, राइट, टोटल रेशियो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 9, राइट, टोटल्स 9। अब 9 में ही इनका प्रॉफिट पकड़ेगा, प्रॉफिट रिमेनिंग कितना रहा, देखिए टोटल प्रॉफिट आपको मालूम है 1,50,000 था, 1,50,000 राइट, एंड ए अपने गेट कर लिया, ए ने कितना प्राप्त किया प्रॉफिट में से 60,000, जैसा कि मैंने बताया था 5,000 × 12 = 60,000, बिल्कुल, तो रिमेनिंग बचा 90,000, राइट, 90,000। अब 90,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90,000 × 9 = 90,000 यानी कि 10,000 इसमें आ गया अपने, 10,000 × 5 यानी कि 50,000 एंड 40,000 बी का। ओके, नीचे ही दिख रहा हूँ कोई 40,000। ओके, एंड देन ए का टोटल प्रॉफिट अब कितना हो गया, 50,000 ये मिले ए को एंड 60,000 ये मिले, दोनों का मिला के 1,10,000, 60,000। ओके, दोनों का मिला के अपने 1,10,000, 1,10,000 एंड देन नेक्स्ट 40,000 बी का, राइट, 4 × 0 = 4 × 0 एंड देन आंसर विल बी 11:4, 11:4 ए और बी का अर्निंग्स का रेशियो आ जाएगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आया, आई रिपीट इट अगेन, देखिए मैं रिपीट करता हूँ वापस, अगर आपको नहीं कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आपको समझ आएगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख एंड 4 लाख, ये 5 लाख एंड 4 लाख अपने जीरो ऐसे निकाल दिया, क्योंकि रेशियो में इन्वेस्टमेंट का रेशियो
टाइम का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 9 का रेशियो आ गया। अब प्रॉफिट कितना था, देखिए प्रॉफिट अपने दे रखा था 1,50,000, 60,000 ये ले गया पहले ही 5,000 इंटू 12, ओके 60,000, 90,000 रहा, 90,000 को अपने 5:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता ही है 50,000 एंड 40,000, ओके एंड देन 60,000 इन्होंने ए पहले ले गया तो 60,000 इन्होंने हमने ऐड कर दिया वापस, तो 11:4, ओके इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल। लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, SBPO के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, अदरवाइज आप करते रह जाएंगे क्वेश्चन, ओके। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन मैंने बताया जो टाइम कंज्यूमिंग कम है, आपको लगभग 20 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओके। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा फर्स्ट क्वेश्चंस तो प्लीज लाइक बटन है, हिट द लाइक बटन और शेयर करें फ्रेंड के साथ ताकि वह भी क्वेश्चंस अच्छे से देख सकें। देखिए सेकंड क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरियाज इक्वल टू 2700 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ एक्सीडिंग द ब्रेथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लेंथ है जो 15 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ की, ओके। देखिए रेक्टेंगल्स का एरिया आपको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बिल्कुल A इंटू बी कह सकते हैं अपन, A इंटू बी इज इक्वल टू 27,000। अपने को आइडेंटिफाई करनी है लेंथ, यानी कि L की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिए ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट ओके एंड देन सेकंड, देखिए लेंथ है जो ब्रेथ की, लेंथ है जो ब्रेथ से 15 सेंटीमीटर बढ़ी है, इंक्रीज है, यानी कि ओके एक्सीडिंग है। देखिए तो फिर L माइनस बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी पे, क्योंकि B की वैल्यू अपने को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर B अपन इधर चला जाएगा, B प्लस 15 प्लस बी, ओके 15 प्लस बी इधर माइनस का, तो इधर प्लस का, तो L बराबर 15 प्लस बी, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए 15 प्लस बी या बी प्लस 15 कुछ भी कर सकते हैं, ये सेकंड समीकरण आपके आइडेंटिफाई हो गई। देखिए अब L का मान रखिए 15 प्लस बी, राइट, L का मान अपन यहाँ आइडेंटिफाई कर देंगे 15 प्लस बी इक्वल टू इनटू बी। L का मान अपन ने यहाँ रखा, L अपन ने दिया हुआ 15 प्लस बी, तो 15 प्लस बी इंटू बी का बी रख दिया एंड इज इक्वल टू 2700, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, देखिए बी का बी, बी से बी, इनकी बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी इंटू 15 इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100% आपके आंसर है बी बराबर, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करना क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा कम है, ओके तो बी बराबर 45 सेंटीमीटर एंड देन लेंथ अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेंथ बराबर बी बराबर 15 प्लस बी, यानी कि बी अपने आइडेंटिफाई है 45, यानी 45 प्लस 15 एल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 60 देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए 40 भी दिया हुआ है तो 40 अपने कंफ्यूज नहीं होना है, 60 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ओके। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा था ऑल ओवर टॉपिक बेस पे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक एक बार पता आइडेंटिफाई भी हो सके कि मेरा कौन सा टॉपिक बेस्ट है, कौन सा टॉपिक में मैं वीक हूँ, तो इसी के बेस पर रैंडमली क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पार्टनरशिप का देखा, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा इसके बेस पर, क्या नाम है इसके बेस पर जो अभी रेक्टेंगल्स का मेंशुरेशन का बेस पर क्वेश्चन देखा एंड थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ऑल ओवर टॉपिक मैंने कवर किए हैं। देखिए ए बॉक्स प्रोबेबिलिटी, एक बॉक्स कंटेंस टू ब्लू मार्कर्स, देखिए लिखते जाइए टू ब्लू एंड देन 4 रेड मार्कर्स एंड देन 5 ग्रीन एंड देन 1 येलो, यानी कि 1 येलो। इफ 4 मार्कर आर पिक्ड रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन दैट नन इज ग्रीन, यानी कि कोई भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, टोटल्स अपने टोटल्स प्रोबेबिलिटी 12, ओके। अब देखिए
यानी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन यानी कि हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं, हरे को अलग टाल, हरे को अलग निकाल दीजिए, 12-5 यानी कि 7, 7 की पावर 4, 7C4 इज इक्वल टू 12C4, राइट, 12C4, C4 7 C4 ऐसे आइडेंटिटी निकाल काट सकते हैं, तो 7 into 6 बैक साइड चलना, into 5 into 4, राइट, एंड देन 12 का 12 into 11 into 10 एंड into 9 इज द 12 का. तो देखिए 6 into 2 जा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 4 से 4, 11 into 9, तो रिमेनिंग बचे अपने 7 ऊपर एंड नीचे, सॉरी 99, नीचे 99 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 7 इज इक्वल टू 9, 7 अपॉन 99. आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आया होगा. क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस देखते ही छोड़ देते, वेरी इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देखते ही आंसर बन सकता है. ओके देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है. देखिए ऑल ओवर क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस मैंने ऑल ओवर टॉपिक बेस पर लिए हैं, ये मेंस शॉर्ट एंड आर्टिकल्स बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, विद इन 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाओगे. देखिए आर्टिकल्स 11% प्रॉफिट, देखिए सीपी एंड एसपी, राइट, दो आइटम्स होती है, एंड देन देखिए 100 अपन ने सीपी माना तो 11% प्रॉफिट का, यानी कि 111111, इफ द ही सोल्ड 24 मोर, यानी कि 24 इससे 24 मोर ज्यादा किया, इसने ज्यादा किया 24 ज्यादा किया है, तो ही वुड एकदम रेशियो बेसिस पे कह सकते हैं, ही वुड गेन 70% प्रॉफिट, 70% यानी कि कॉस्ट प्राइस तो सेम रही, कॉस्ट प्राइस तो सेम रही, तो इनका मतलब 70% गेन, यानी कि 117 में इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, 24 ज्यादा किया तो 117 में इसने सेल किया, राइट. अब देखिए 24 ज्यादा किया तो 111111-117 इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस आपको मालूम है 6 का डिफरेंस है, 6 इज इक्वल टू 24, तो रेशियो आया अपने 4 जा, है ना, 4 टाइम्स. ओके अपन को पूछा व्हाट फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि इनकी वैल्यू अपने को आइडेंटिफाई करनी है, 11 की फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस क्या है दिस आर्टिकल्स की, तो 4x बराबर 4 कह सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर 4 तो 111 into 4 इजिकल टू 444, यानी कि 444 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन. अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, क्योंकि अपने x की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं, तो इस क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो व्हाट इज द सीपी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस बताइए आर्टिकल्स की, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस अपन दे देते थे 400 अपन ने कॉस्ट प्राइस माना था, तो उसके बेस पर आप 400 इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते थे, 400 into 4 = 400. देखिए वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में, ये मेन है, एक आदमी है, शोल्ड एंड आर्टिकल्स, हिंदी में रिवाइज करता हूँ, आर्टिकल्स एट 11% प्रॉफिट. देखिए आर्टिकल्स अपने सीपी मानी 100, 11% प्रॉफिट यानी कि प्लस 11, यानी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं, बेसिक से करते हैं तो 100% आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि 11% और 17% कटती नहीं है वैल्यू, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो इसके बेस पर मैंने इजी लेवल पे बताया 11% प्रॉफिट, तो 11% प्रॉफिट बताया 24% मोर, यानी कि 11 से 24% मोर ज़्यादा बेचता है, 24% जो ही वुड गेन 17% प्रॉफिट, सो वहाँ था 100 माना ही था आपने, 70% गेन, यानी कि 177 में बेचता है तो 24% गेन होता है. ओके तो 6 कितना गेन हुआ एक्चुअल में, कितना गुना 6 का गेन हुआ, देखिए 6 का गेन हुआ तो 6 = 24, तो x बराबर 4 टाइम्स, तो अपने सेलिंग प्राइस पूछिए 111111 की वैल्यू इंटू 4 = 444, यानी कि 444 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से लगे होगा क्वेश्चन, अच्छे लगेंगे एक्सप्लेनेशन, अच्छा लगेगा सॉल्यूशन, अच्छा लगेगा टाइम कंज्यूमिंग कम में सॉल्यूशंस हुआ, तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड कलीग के साथ, एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके.
एक बार वापस मैं रिवाइज करता हूँ, इंग्लिश का सेशंस भी मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज़ ताकि देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। जय हिंद, जय भारत।